नमस्ते, मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, पीजीटी फिजिक्स, रमिक प्लस टू हाई स्कूल, कोपा पिंडरा। आज 12वीं क्लास के दूसरे अध्याय के लास्ट टॉपिक वैन डे ग्राफ जनरेटर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मैं रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला के माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों के लिए बना रहा हूं। सबसे पहले वैन डे ग्राफ जनरेटर है क्या? वैन डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जिसके सहारे हम लोग बहुत हाई पोटेंशियल जनरेट करते हैं। आपको सिंपल सा चीज मालूम है कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का, और चार्ज हम लोग अगर किसी बॉडी को देंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, और हम लोग पोटेंशियल को बढ़ा करके किसी भी चीज का कोई काम हम लोग करवा सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो वर्क डन भी ज्यादा होगा। इसके लिए हम लोग एक स्फेरिकल शेप का, ठीक है, हेमी स्फेरिकल शेप का एक स्ट्रक्चर लिए हुए जो मेटलिक है, जिसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। जैसे देख रहे होंगे आप लोग, ये आपका स्फेरिकल है, हेमी स्फेरिकल है, और ये इंसुलेटिंग स्टैंड हो गया। इसमें दो पुल्ली हम लोग यूज कर रहे हैं, P1 P2। पुल्ली में हम लोग कन्वेयर बेल्ट के यूज करके हम लोग चार्ज को मूव कराएंगे। ये कन्वेयर बेल्ट हो गया, दो देखे होंगे आप लोग, देखिएगा फिर से, ये हमारा कन्वेयर बेल्ट हो गया। इसके बाद मोटर लगा हुआ है जिसके सहारे हम लोग पुल्ली को मूव कराएंगे, तो एक पुल्ली मूव करेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक मूव करेगा। ये C1 जो है वो कॉम है, ठीक है, मेटेलिक कॉम है, जिसको हम लोग हाई वोल्टेज जो चार्ज सप्लायर होता है उससे कनेक्ट किए हुए हैं, HVR से, जो बहुत हाई वोल्टेज पे रहेगा और C1 को चार्ज देगा। दूसरा कॉम C2 लिए हुए, जो कि जो स्फेरिकल बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, मेटलिक है, उसके इनर सरफेस से कनेक्टेड है, और ये दोनों कॉम C1 C2 कन्वेयर बेल्ट के काफी नजदीक है। यहाँ हल्का आपको गैप दिख रहा होगा, बट दे आर वेरी क्लोज टू द कन्वेयर बेल्ट। इसके बाद हम लोग एक टर्नल लिए हुए हैं, जिस टर्नल में पॉजिटिव चार्ज को हम लोग रखेंगे, और नीचे टारगेट है जिस टारगेट में जाकर के वो टकराएगा, टारगेट को भी ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ पर S जो है वो लार्ज कॉपर स्फीयर है, C1 C2 कॉम्स है विथ शार्प पॉइंट्स, P1 P2 पुल्ली है टू रन बेल्ट, HVR हाई वोल्टेज रेक्टिफायर है जिसके सारे हम लोग चार्ज प्रोड्यूस करके C1 को देंगे, M मोटर है, IS इंसुलेटिंग स्टैंड है, D जो है गैस डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें हम लोग पॉजिटिव चार्ज के सोर्स को रखेंगे और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग एक्सेलरेट करवाएंगे, T जो है वो टारगेट है, T जो है वो क्या है, टारगेट है। अब हम लोग ये देख रहे होंगे यहाँ पर वर्किंग हम करने का कोशिश किए हैं, एक बार फिर से आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से। C1 को चार्ज मिला, वो चार्ज कहाँ गया, कन्वेयर बेल्ट में, कन्वेयर बेल्ट मूव कर रहा है और मूव करके जा रहा है, और C2 में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को खींच करके और कहां पर पहुंचा दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज को घींच करके कहां पहुंचा दे रहा है आपका, देखेंगे एक बार फिर से, वो आपका आउटर सरफेस को भेज दे रहा है, ठीक है, आउटर सरफेस को भेज दे रहा है। एक बार आप इसको फिर वीडियो को देख लेंगे, देखिए कन्वेयर बेल्ट मूव किया, चार्ज इनर सरफेस में गया, फिर आउटर सरफेस में गया। अब एक मिनट देखेंगे, देखिए इनर सरफेस में गया, कन्वेयर बेल्ट मूव कर रहा है, सारा चीज हो रहा है, चार्ज आउटर सरफेस में गया। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, हर डिवाइस का कुछ ना कुछ प्रिंसिपल पे वो बेस्ड होता है। पहला तो प्रिंसिपल है कॉर्निया डिस्चार्जिंग एक्शन। इसका मतलब ये होता है कि चार्ज जो होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आसानी से उसी जगह से जहां जाता है जहां पर वो पॉइंटेड होता है, क्योंकि पॉइंटेड है तो एरिया क्रॉस सेक्शन कम है, और एरिया क्रॉस सेक्शन कम है तो वहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो कॉर्निया डिस्चार्जिंग एक्शन इसको बोलते हैं। दूसरा है कि अगर कुछ भी चार्ज हम लोग इनर सरफेस को देते हैं, कोई भी मेटलिक बॉडी के इनर सरफेस को देते हैं, वो चार्ज ऑटोमेटिकली आउटर सरफेस में चला जाता है, ठीक है, इनर सरफेस में रहता नहीं है वो चार्ज, वो कहां चला जाता है, आउटर सरफेस में चला जाता है, और जो आउटर सरफेस का पोटेंशियल होता है किसी भी कंडक्टर का, वही पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर, चाहे वो हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, उसके हर पॉइंट का होता है, ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। यहां पर ये दोनों हम यहां लिख दिए हैं। उसके बाद
एयर सराउंडिंग दिस कंडक्टर गेट्स आयोनाइज, ये जो एयर जो होगा उस कंडक्टर के चारों साइड का वो आयोनाइज होता है, जो हम आपको कॉर्निया डिस्चार्जिंग एक्शन बतलाए हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए हम आपको बता चुके, बेनेग्राफ जनरेटर कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज अबाउट फ्यू मीटर्स इन रेडियस कॉपर स्फेरिकल सेल सपोर्टेड ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड विच इज ऑफ सेवरल मीटर्स हाई अबव द ग्राउंड। उसके बाद एक बेल्ट है, ए बेल्ट मेड ऑफ इंसुलेटिंग फैब्रिक जैसे सिल्क हो गया, रबर हो गया एक्सेट्रा, इज मेड टू रन ओवर द पुल्ली P1 P2 ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिक मोटर, जो हम आपको बता चुके हैं, सच दैट इट एसेंड्स ऑन द साइड ऑफ द कॉम, जो कॉम के साइड में वो आपका जाए। कॉम C1 जो है नियर द लोअर पुल्ली इज कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज रेक्टिफायर व्हिच हुज अदर एंड इज अर्थेड, जिसका दूसरा एंड अर्थेड है, और C1 को जो है वो चार्ज देगा कौन, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। C2 चार्ज को ले लेगा और किसको देगा, इनर सरफेस को, इनर सरफेस से कहाँ चला जाएगा, आउटर सरफेस में चला जाएगा। एक ट्यूब है, ए ट्यूब टी विद अ चार्ज पार्टिकल टू बी एसोलेटेड, जिसमें हम लोग चार्ज पार्टिकल जिसको एसोलेट करवाना चाहते हैं उसको रखेंगे टॉप में, एंड टारगेट एट द बॉटम, टारगेट नीचे में रहेगा जाके टकराएगा, द बॉटम एंड ऑफ द ट्यूब इज अर्थेड फॉर मेंटेनिंग लोअर पोटेंशियल, जो बॉटम एंड होता है ट्यूब का उसको हम लोग अर्थ करके रखते हैं, ठीक है, लोअर पोटेंशियल में रहने के लिए, रखने के लिए। अब देखेंगे इसके वर्किंग के बारे में। वर्किंग में हम लोग क्या करेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है हाई वोल्टेज रेक्टिफायर का उसको कॉम C1 से कनेक्ट किए हुए हैं, ड्यू टू एक्शन ऑफ पॉइंट्स इलेक्ट्रिक विंड इज कॉज्ड एंड पॉजिटिव चार्ज आर स्प्रेड ऑन द बेल्ट, ठीक है, आपका पॉजिटिव चार्ज बेल्ट पे स्प्रे होगा और वो बेल्ट जो कि सिल्क या रबड़ का है वो उसको लेकर के कहाँ जाएगा, ऊपर, बेल्ट मेड असेंडिंग बाय इलेक्ट्रिक मोटर एंड पुल्ली P1 कैरीज दिस चार्जेस इन द अपर डायरेक्शन। दूसरा जो कॉम है उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा विच इज कैरेड बाय कंडक्शन टू इनर, जितना पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उतना ही वहां नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो नेगेटिव चार्ज के कारण जो होगा इनर सरफेस जो होगा वहां वो कनेक्टेड है, ठीक है, तो वहां वो कलेक्ट होगा और आउटर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नीचे से ऊपर जाएगा उतना ज्यादा आउटर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज जो है वो बनता चला जाएगा। कॉम C2 जो है वो नेगेटिवली चार्ज के कारण उसमें जो इलेक्ट्रिक विंड बनेगा स्प्रे करेगा नेगेटिव चार्ज को ड्यू टू एक्शन ऑफ पॉइंट्स व्हिच न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वो न्यूट्रलाइज करते जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज उधर से आ रहा है और जितना नेगेटिव चार्ज आ रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस में बनता चला जा रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक चलता रहेगा, जब तक पोटेंशियल आउटर स्फीयर का बहुत ज्यादा बढ़ जाए और इतना ज्यादा बढ़ जाए कि अब वो चार्ज को लीक करना शुरू कर देगा। जब लीकिंग इसका इंक्रीज हो जाएगा उस समय हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल जनरेट हो गया उस समय जो टर्नल हम बनाए हुए थे उसमें पॉजिटिव चार्ज के सोर्स को छोड़ देंगे। अब क्योंकि बाहर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो अंदर का भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बहुत हाई पोटेंशियल पे वो चार्ज पहुंच गया पॉजिटिव चार्ज, अब वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जब मूव करेगा तो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा और उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव करके जाकर वो टकराएगा, किससे टकराएगा, टारगेट से, और जो हमारा काम करवाना वो काम हम लोग करवा सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना न्यूक्लियर रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। इसका यूजेज क्या है, वैंडेग्राफ जनरेटर जो है इसके सहारे बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जनरेट करते हैं ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मिलियन वोल्ट, ठीक है, फॉर एसोलेटिंग चार्ज पार्टिकल को एसोलेट करने के लिए। द बीम ऑफ एसोलेटेड चार्ज पार्टिकल्स आर यूज्ड टू ट्रिगर न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाने के लिए हम लोग जो है इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद बीम इज यूज्ड टू ब्रेक एटम्स फॉर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स इन फिजिक्स इवन इन केमिस्ट्री, जो है बहुत सारे एटम्स को तोड़ने के लिए हम लोग जो है इसका यूज करते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट में जो है इसको यूज किया जाता है, वैंडेग्राफ जनरेटर के सहारे हम लोग चार्ज पार्टिकल को एसोलेट कराते हो जाके टकराता है, गामा रे प्रोड्यूस होता है, गामा रे ट्रीटमेंट में यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है, रिसर्च पर्पस से होता है, तो इन बातों को हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो समाप्त हो गया है, दो चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं तीसरे चैप्टर का वीडियो लेकर के अगले दिन आऊंगा, तब तक आप घर में रहें,
सुरक्षित रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे, ठीक है। धन्यवाद।